ओम शांति माय इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतिमा बजाज डॉक्टर प्रतिमा जी पेशे से पिछले 22 सालों से रेडियोलॉजिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं एमआरआई एंड सिटी स्कैनिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी डॉक्टर प्रतिमा जी गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल में एज अ रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और प्रेजेंट में वो ऑल्टिस हॉस्पिटल जलंधर में एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा जी पिछले चौदह सालों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और जलंधर ग्रीन पार्क सेंटर के स्टूडेंट हैं तो मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रतिमा जी से मैम आपका हमारे शो माय इंडिया हेल्दी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा जी आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों में है ना और लोगों लोगों में बहुत सारी टेंशन, तनाव चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं और आपको इतना समय हो गया राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए तो आप हमें बताएं कि राजयोग के अभ्यास से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या फ़ायदे मिले राजयोग का अभ्यास आपने करना स्टार्ट किया तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी पहले कैसी थी और अब उसमें क्या फर्क पड़ा है ओम शांति ओम शांति जब से मैं ज्ञान में आई और मैंने राजो का मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत अंतर आया है पहले मैं जब भी किसी पेशेंट को देखती थी तो मैं सिर्फ उसको एज अ बॉडी देखती थी जी और अब मैं उनको एज अ सोल देखती हूँ विद द बॉडी ओके तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है क्योंकि अब मैं जब उनको सोल देखती हूँ तो उनका मेरे साथ कनेक्ट एक डिफरेंट लेवल का हो जाता है ऑफ ठीक है और हमारी इंटरेक्शन एक बहुत ब्यूटीफुल लेवल की होती है जी और जब भी वो मुझसे बात करते हैं दे फील वेरी कंफर्टेबल और जब वो मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं क्वेरीज होती हैं तो मैं उनको एज अ सोल जब देखती हूँ तो ज्ञान के और अपने मेडिकल नॉलेज के आधार से जब उनको सजेशंस देती हूँ तो उनके वो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है फेस hmm. पे ना दे फील वेरी कंफर्टेबल विद मी सो पहले ऐसा नहीं था hmm. पहले, पहले तो अ पेशेंट क्यू लगी है फटाफट सबको अटेंड करना है hmm. है ना फटाफट सबको आंसर्स करना है रिपोर्टिंग करनी है एंड आई नो रिपोर्टिंग में बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, है ना पहले आपको होता होगा कि बाहर क्यों लगी है समटाइम पेशेंट ठीक नहीं है तो आपको होता होगा कि अब नेक्स्ट को भी अटेंड करना है बट अभी आप बता रहे हैं कि पहले से फर्क आ गया अब अच्छे से उनको अटेंड करते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं जी और वैसे खुद की भी मेरी उस समय रिलेटिवली uh, अब जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड होता है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होता है मतलब आई डोंट गेट स्ट्रेस्ड इवन इफ देर इज लॉट ऑफ रश सो दैट इज हेल्पिंग मी इन माय प्रोफेशनल लाइफ जी ठीक so है तो प्रतिमा प्रतिमा जी आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है ना और सब में जैसे कैंसर <coughs> जैसी डिसीज़ हैं बहुत सारे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि पहले आज से पहले नहीं थे कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो ये बीमारियां आज जो इतनी ज़्यादा आ गई हैं वो पहले नहीं थी आप इतनी सारी रिपोर्टिंग्स करते हैं एम करते हैं सि स्कैन है सोनोग्राफी है, है है ना तो ये जो सारी आप रिपोर्टिंग करते हैं पेशेंट्स को चेक करते हैं तो आज जो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं उनका रूट कॉज क्या निकल के आ रहा है पेशेंट्स में देखिए मेजॉरिटी केसेस में तो अगर हम देखें तो जो रूट कॉज है वो हमारा अनहेल्दी लाइफ है ओके ठीक है और अनहेल्दी लाइफ से हम बेसिकली देखें कि हमारा खाने का बहुत संबंध है कि हम क्या खाते हैं कब खाते हैं कितना खाते हैं फिर हमारा सोने का कब होते हैं और कितना सोते हैं hmm. फिर हम एक्सरसाइज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं okay. या अपने लाइफ में इतनी बिजी हो गए कि हम hmm. इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। hmm. Hmm. ये चीजें हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत अफेक्ट करती हैं जी. और इवेंचुअली हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द स्ट्रेस कि हमारी लाइफ में हम स्ट्रेस कितना ले रहे हैं वो हमारी डिजीजेस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है जो छोटी सी भी बात होती है वो काफी हाँ. बढ़ चढ़ के आगे फिर उभर के आती है हुँ. तो बाहर की प्रेशर्स तो लाइफ में बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं और हम देख रहे देख हैं, हैं। और वो बढ़ते हाँ. ही रहेंगे सही कह रहे रहे हैं हैं आप ठीक है तो हुँ. उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पर हमें खुद को स्ट्रेस्ड नहीं रहना इस पे हमारा फोकस होना चाहिए जी बिकॉज स्ट्रेस एंड प्रेशर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है जी ठीक है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है अगर हमारी इनर पावर कम है तो स्ट्रेस बढ़ता है जी बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रिजिलियंस मतलब हमारी इनर पावर तो अगर इनर पावर कम है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है जी तो मीन्स स्ट्रेस और प्रेशर में कुछ मतलब स्ट्रेस और प्रेशर दोनों से रिलेटेड है मतलब स्ट्रेस बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेस भी बढ़ता है प्रोवाइडेड कि हमारी इनर पावर ना बढ़ी हो ओके ठीक है अगर इनर पावर बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ता भी जाएगा तो स्ट्रेस hmm. नहीं बढ़ेगा जी ठीक है तो hmm. अगर इनर पावर नहीं हम अपनी बढ़ाते hmm. बाहर का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा सो सिंस वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेशर आउटसाइड आर फोकस शुड बी टू इंक्रीज आर इनर पावर सो दैट वी डोंट गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज स्ट्रेस से फिर इवेंचुअली काफी डिजीजेस होते हैं hmm. जैसे ही हमारी बॉडी हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है तो हमे हमारी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाती है ओके okay. और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे हॉर्मोन्स से होते हैं जैसे लाइक कॉर्टेसोल नॉर एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट के ऊपर रिसेप्टर्स पे जाकर इफेक्ट करते हैं जी और उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा हार्ट रेट ही इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं जी और ऐसा इंक्रीज होने से फिर हमारी जो बॉडी है वो उस स्ट्रेस को तो कोप कर लेती है उस समय पर लॉन्ग टर्म अगर ये चीजें होती रहती हैं तो हमारी बॉडी में जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है ओके okay. मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो स्ट्रेस है उसके अगर हम ज्यादा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो हम ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं कि Absolutely. आ जाओ मेरी बॉडी में एब्सोल्युटली स्ट्रेस का इतना ज्यादा इफेक्ट है मेरी बॉडी पे hmm. बिल्कुल अगर आर्टरीज है जैसे आर्टरीज है हमारी ब्लड पूरी बॉडी में है जी तो अगर वो हार्ट की आर्टरीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरीज किडनी की आर्टरीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन की आर्टरीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट सो so, अगर इनमें से कोई भी आर्टरीज़ अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गन में सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी सो हार्ट अटैक हो सकता है किडनीज डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा तो उसको आज हम कॉमनली यूज कर देते हैं कि स्ट्रेस है Yes. वो तो सबको होता है yes. आपको भी है मुझे भी हम कॉमनली कह देते हैं एक छोटा पांच साल का बच्चा भी आज बोल देता है कि मुझे पढ़ाई की टेंशन है दस साल का बच्चा भी आज बोल रहा है कि आपको पता है कितना प्रेशर है मतलब जो हम कॉमनली यूज कर रहे हैं स्ट्रेस उसका आप बता रहे हैं कि उस स्ट्रेस से मेरी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ता है एब्सोल्युटली सो ये दिस कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग इन द लॉन्ग रन जी तो आप हमें बताएंगे कि लाइफ जो है हमारा लाइफ में जो इतने सारे हमारे आ चुके हैं इंप्योरिटीज आ चुके हैं तो लाइफ को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं लाइफ में जैसे सबसे पहले तो हमें अपने फूड पे देखना चाहिए कि हम कैसा भोजन करते हैं ठीक है जैसे हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा, वैसा जी। मन जी तो अगर हमारा भोजन सात्विक है जी और शुभ भावना से बनाया गया है और हमने उसको बहुत अच्छे से बाबा की याद में ग्रहण किया है तो वो भोजन हमारे लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा और हमें स्वस्थ रखेगा जी परंतु अगर हमें आदत पड़ गई है कि बाहर से फूड ऑर्डर करना है जंक फूड खाना है तो उसके इफ़ेक्ट्स अलग होंगे बिकॉज एक तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स एडिटिव्स प्रजर्वेटिवस होते हैं जो कि डायबिटीज हाइपरटेंशन और इवन ऑफ़ कैंसर एनवायरमेंट में बनाया गया है तो फूड के हमारे मन पे और हमारी बॉडी पर बहुत प्राइम इम्पॉर्टेंट चीज है फॉर द बॉडी जी hmm? तो सेकेंड इज की वी शुड डू तो किसी न किसी टाइप की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कोई एक्सरसाइज या कुछ प्राणायाम आप सजेस्ट कर सकते हैं ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए योगिक एक्सरसाइजेस या प्राणायाम किया जा सकता है जी ठीक है इवन उससे हमें हेल्प मिलती है जी जी और अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अगर परमात्मा की याद में वॉक भी कर ले वो भी हमें बिल्कुल एकदम से फ्रेश कर देता है जी तो बाबा की याद कुछ भी कार्य करते हुए बाबा की बाबा की याद कुछ भी कार्य करते हुए हमारा स्ट्रेस रिलीज करती है सो वो सबसे ऊपर होना चाहिए कि कुछ भी करें पर बाबा हमारे साथ होना हुँ। चाहिए ठीक है वो स्ट्रेस, स्ट्रेस जी आप हमारे दर्शकों को नींद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आज हम बोलते हैं एट आवर्स जरूरी है आठ घंटे तो सोना चाहिए अच्छे से तो क्या आठ घंटे जरूरी है सबके लिए नींद लेना ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सबके लिए आठ घंटा जरूरी है परंतु डिपेंड करता है कौन कितना फिजिकल वर्क कर रहा है कौन कितना मेंटल वर्क कर रहा है और उस फिजिकल और मेंटल वर्क को करते हुए उसकी स्थिति कैसी है स्थिति कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पूरे दिनचर्या के दौरान हमारी अपनी स्थिति जी, अगर हमारी स्थिति पूरे दिन में अच्छी रही और रात को हम ऐसा सो गए कि कल अगर हम ना भी उठे तो हम बाबा के पास सीधा पहुंच जाएंगे बिल्कुल बाबा हमें उड़ाकर अपनी पलकों पर उठाकर ले जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा घंटों की नींद की जरूरत नहीं फिर अगर दीदी अगर मैं कहूँ कि मतलब मेरा मूड मेरा मन कैसा है मेरे मतलब मेरा मूड कैसा है पॉजिटिव है नेगेटिव है वेस्ट हो चल रहे हैं तो उसको आप मतलब स्थिति किस चीज को आप कहना चाहते हैं स्थिति मतलब कि मैं अपने मौलिक गुणों में उस समय पूरा दिन रिसीव करती हूँ जो सोल है वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज में है जितना टाइम रहेगी ओके मैं अपनी प्योरिटी पीस लव इनको ब्लिस को कितना एक्सपीरियंस चलता है उसका चिंतन होता है कितना मैं सोल कॉन्शियस रहती हूँ दिन दिन में में कितने पॉजिटिव था कितने चल रहे हैं पास्ट का चल रहा है कुछ वो सब हमारे मन पर इफेक्ट करते हैं राइट बिल्कुल जितना हम अपनी प्योरिटी पीसफुल स्टेट में रहते हैं तो रात को हम बिल्कुल बाबा को अपना सब कुछ पोता में लेके निश्चिंत तो होकर सो सकते हैं और चाहे कम घंटे भी सोए तो सुबह फ्रेश उठेंगे okay. मतलब जो भी आज सारा कुछ किया उसको परमात्मा को समर्पित कर बिल्कुल है। कि जो भी हुआ ये आज ऐसा हुआ या कोई भी गलती जी जी बिल्कुल अगर तो भूल भी हुई है तो भी बाबा को समर्पित कर कर हम निश्चिंत तो होकर सोए और बाबा को प्रॉमिस करें कि कल ये नहीं करेंगे ये नहीं की कहकर और सो गए और भूल गए जी ठीक है प्रॉमिस करके कि अब रिपीट नहीं करेंगे जी ठीक है फिर बाबा साथ भी हम्म जी तो राजयोग के अभ्यास से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके अभ्यास से हम अपने जीवन में या ये कहें जो कमियां आ चुकी हैं जो आज हर बैटरी डिप्लीट महसूस कर रही है खालीपन महसूस कर रही है तो इसको हम राजयोग के अभ्यास से कैसे भर सकते हैं राजयोग हमारी क्या मदद करता है हमारे जीवन परिवर्तन में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया आपको अब कैसा लगता है राजुगा के बाद एक कंप्लीट uh, ट्रांसफॉर्मेशन होती है एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो ऐसा मुझे लगा बिकॉज uh, सबसे पहले तो है कि जब अपने गुणों और शक्तियों का ज्ञान मिलता है जी। वो एक बहुत मेजर अचीवमेंट की तरह मैं उसको देखती हूँ कि मुझे लगता है ये सब कुछ ओरिजिनली ही मेरे हैं जिनको मैं इतने सालों से इधर उधर खोज रही थी वो है ही मेरे आपको तो आंसर मिल गया कि एक्चुअली एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन इज हूँ तो okay. I? I पर मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता था तो ये मुझे जब चौदह साल हो गए ज्ञान में आकर तो चौदह साल पहले ही आके पता चला की मैं हूँ कौन जी। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति थी कि मैं हूँ कौन हुँ। और मैं मुझ में क्या क्या क्वालिटीज हैं और मुझ में क्या क्या शक्तियां हैं जो कि मैंने जस्ट बिकॉज अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई तो मैंने वो सब शक्तियां खो दी एक्चुअली में क्या थे और एक्चुअली में क्या, क्या समझ रहे समझ रहे तो रहे एक मेजर डिफरेंस एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है लाइफ ऐसा था जैसे कि आ, सब कुछ है पर रूम में लाइट ऑफ है तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि लाइट ऑन कर दी किसी ने तो वो लाइट ऑन होते ही सब कुछ क्लियर हो गया इट वाज़ सो सिंपल और उसको हमने पता नहीं क्या-क्या क्या, मेरे पास ट्रेजर था इतना उस yeah. रूम में वो yes. मुझे पता चल मुझे गया मुझे पता है या इट इज एब्सोल्युटली माइन और ये कहीं नहीं जा सकता इसे कोई नहीं छीन सकता मुझे कोई कुछ डैमेज नहीं कर सकता सारा इनसिक्योरिटी सारा फियर सारी वरीज वो डिसॉल्व हो गई वो स्लाइट के अंदर ही तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको अपनी नॉलेज मिले कि मैं कौन और फिर ये सब कैसे हो पाता है संभव जब हमें ये पता चलता है कि मेरा कौन मेरा कौन ठीक है जब हमें ये मेरा पता चलता है कि मेरा है कौन जिसको मेरा है हम अभी तक मेरा मेरा कह रहे थे हाँ। और उन्हीं की वजह से हम परेशान हो रहे थे वो पता चल जाता है कि वो मेरे नहीं मेरा तो सिर्फ एक परम पिता पर ठीक है और जो मेरे मैं जिनको कहती हूँ उनका मुझे सब कार्य करना है ऐसा नहीं कि उनको छोड़कर छोड़करिटीज पूरी करनी है जी। पर मैं एक ट्रस्टी हूँ okay. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाबा ने मुझे दी है वो मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से उसको मैं कम्प्लीट करती हूँ पर बाबा सब शक्तियां देता है मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र वहां पे एक करणहार हूँ करावन हर बाबा है तो उससे इतना हल्कापन आ जाता है ना कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं कराएगा वो मुझे बिठा देगा तो मैं कर दूंगी मैंने तो बस ज्ञान को ही अपने अंदर यूज करते जाना है जी सो so, सब कुछ बहुत इजी सिंप्लीफाई और लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल दैट इज इट ओके तो ठीक है तो आप रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं यस yes. मैं सुबह वेला करती हूँ जी और फिर उसके बाद मैं कम से कम मुरली से पहले एक अव्यक्त मुरली भी पढ़ती हूँ जी ठीक है एक अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ एक हुँ, हमारी जो डेली साकार मुरली होती है जी फिर उसके बाद वो क्लास करती हूँ फिर थोड़ा उनका मनन चिंतन वो थोड़ा कार्य व्यवहार के बीच बीच में भी करती रहती हूँ जी और फिर ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ जी

तो अंदर की जो शांति वो खुशी उसको महसूस जब करते हैं तो बाहर के काम करने फिर इजी भी हो जाते हैं ऐसा लगता नहीं कि कुछ मेरा टाइम कम पड़ रहा है आई बिकम बिजी वो ट्रैफिक कंट्रोल हेल्प करता है फिर शाम को नुमा शाम की हम करते मेड़िटेशन हैं मेडिटेशन करते जी। हैं इवनिंग में जी जी और कभी कोई क्लास आजकल तो बहुत ऑनलाइन हमें सहूलियत मिल गई है कोविड के बाद हमें सौभाग्य हुआ है कि बहुत सारे सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स की भी क्लासेस हम सुन सकते हैं तो वो कभी सुन लेते हैं जी और रात को फिर बाबा को अपना पूरा चार्ट देकर कि बाबा अब मैं रही हूँ सोने अब आप जिम्मेवार तो फिर बाबा के साथ उनकी गोद में सो जाते हैं जी। और सुबह फिर फ्रेश बाबा के साथ उठो जी गुड मॉर्निंग कहते हुए जी। जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया है तो डिस्पाइड बींग डॉक्टर मुझे ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है पहले के मुकाबले पहले के मुकाबले बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है मेरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम मेरी नहीं है जी मतलब जिसको मैं पहले प्रॉब्लम कहती थी वो अब मुझे ठीक है सिचुएशन है इट इज अ चैलेंज और इट इज सिचुएशन ओके ऐसा नहीं वो डिसपियर हो गई है हुँ. वो सेम आती हैं सिमिलर चीजें अभी भी आती हैं जी पर वो ऐसा लगता है मैं नहीं फेस कर रही हूँ वो बाबा कर रहा है शक्ति शक्ति मिल मिल जाती है शक्ति मिल रही है, मिल जाता हाँ, है। उसको देखने का नजरिया बदल जाता है बिल्कुल बिल्कुल वो पहाड़ ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे राई है जी है ना और ऐसा लगता है कि बाबा ले जाएगा उसकी जिम्मेवारी है मैं तो उसका बच्चा हूँ सरेंडर कर दिया बिल्कुल हाँ भगवान को हाँ बिल्कुल और उसके बाद लाइफ ही चेंज लाइफ चेंज हो गई जी बिल्कुल बिकॉज इवन फैमिली में भी जैसे बच्चों की होती है कोई चीजें या फैमिली क्या होता है तो वो भी पहले जैसे एज अ पेरेंट आई वुड गेट मर कि ये कैसे हो गया course, हमें होता है कि बच्चे हैं चिंता हो जाती है पेरेंट्स बच्चा हॉस्टल में रहता है ये हो गया कैसे हुँ. होगा

होना तो वही है जो ड्रामा अनुसार होना चाहिए और अब जब ये बात बुद्धि में फिट हो जाती है ना कि ये ड्रामा कल्याणकारी है That is, मिल हा, हा, ये ड्रामा कल्याणकारी है इसमें कुछ भी सीन अगर हो रहा है हमें इस समय लग रहा है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है बट जब बाबा कहता है कल्याणकारी है तो फिर चिंता किस बात की क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में अब वो क्वेश्चन मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं कि अब नहीं है कि अब ठीक है बाबा को पता ही है ना तो वो देखेगा मुझे तो सिर्फ उसको अपने आप को समर्पित करना है जी। तो प्रोफेशनली भी अगर मैं पेशेंट्स को देख रही होती हूँ ना कोई डिफिकल्ट केस आ गया है या कुछ चैलेंजिंग है यू आर हैविंग अ डाउट कि ये प्रॉब्लम है कि या ये प्रॉब्लम हाँ, है हाँ, तो बाबा से बात करती हाँ, हाँ, तो क्लियर हाँ, नहीं होता हाँ, हाँ, तो बाबा से बोलती हूँ कि बाबा देखो ये भी बच्चा आपका है मैं भी बच्चा आपका हूँ तो आपको पता है इसको क्या प्रॉब्लम है अगर मुझे डाउट है आपको मालूम है तो यू गिव मी दी राइट आंसर एंड 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 ही ही ओके इट ऑलवेज हेल्प्स द पेशेंट्स ठीक तो प्रतिमा जी अ डॉक्टर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे देखिए आपका सजेशन कोई एडवाइस हाँ, देखिए अभी बिकॉज आई एम अ सोल इन दिस बॉडी तो मुझे दोनों चीजों का ध्यान रखना है जी ठीक है सोल तो मैं हूं ही पर क्योंकि मैंने ये रथ लिया हुआ है मैं इस बॉडी में हूं एंड आई कैन ओनली फंक्शन मैन आई एम इन दिस बॉडी यस बॉडीर्स तो आई हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस बॉडी इज वेल जी तो जैसे हमने बोला कि हमें अपने फूड का बहुत ध्यान रखना है जी हमें एक्सरसाइज का ध्यान रखना है और हमें मेडिटेशन का बहुत जरूरी उसको समझना है सीखना हुँ, है बिकॉज लाइक अ फूड

उसको एज अ जॉब एक सेपरेट चीज नहीं लेंगे हम उसको अपना एक अब जैसे हम कहीं बाहर भी जाना है कहीं घूमने जाना है तो वो भी हम करते हैं खाना भी, भी, भी शेड्यूल में हैं। से टाइम उसी में से भी निकालते हैं ना तो हमें उसी में अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है कि मुझे करना क्या है वॉट डू आई रियली वॉन्ट ठीक है इफ आई वॉन्ट पीस इफ आई वॉन्ट इफ आई कि आई शुड बी ऑलवेज फीलिंग गुड इन साइड जी तो फिर बिना मेडिटेशन के आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल स्पेशली तो प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल जी और उसको रखते ही आपको लगेगा कि मैंने इतने साल क्यों नहीं रखा जी द डे यू स्टार्ट रियली थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे ये करना है तो आप कर पाओगे और करते ही जो आनंद की अनुभूति होगी जो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है वो सिर्फ जो करता है वही बता सकता है कि वो समझ सकता है एक्चुअली बता भी नहीं सकता समझ सकता है जी सो उसको समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है जी और बाकी आ, सोल के लिए जैसे हम बाहर का फूड की बात कर रहे हैं जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं तो हमें पता है हमारी हेल्थ भी घड़ती है तो आजकल लोग थोड़े कई कुछ लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हम तो ऑर्गेनिक फूड ही खाएंगे जी हाँ है ना तो हम तो ऐसा खाना खाएंगे ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे वो भी एक तरह से ठीक है तो हम अपनी सोल के लिए कुछ ऑर्गेनिक क्यों नहीं सोचते सोचतेस है ना सोल को भी तो कुछ अच्छा चाहिए ना उसको हम क्या जंक खिलाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया नेटफ्लिक्स जी हम उसको देख रहे हैं सही तो हम उसको क्या फूड दे रहे हैं ना? है हम अनवेर हैं। अनवेर हैं। तो वी हैव टू कह देते हैं हैं कि टाइम टाइम पास पास कर रहे यस yes. हाँ, बट हम तब कहें हमें कहना तब चाहिए जब हम खुद को वैल्यू ना करें जब हमें खुद की समझ आती है कि मैं कितना वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट हूँ उस परमपिता का तो मेरा टाइम तो एक एक क्षण बहुत कीमती है जी। ठीक है तो उसे है, मैं ऐसे पास नहीं कर सकती मुझे उसे कही न कहीं ना कहीं फ्रूटफुली यूज करना है अपने लिए भी और इस पूरे संसार के लिए भी तो अपने इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपनी सोल को फूड क्या दे रही हूँ जी तो मुझे क्या देखना है क्या देखना है क्या सुनना है और क्या बोलना है जी इसकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए जी और उसमें ज्यादा खुद के साथ धोखा नहीं करना hmm. क्योंकि कई बार Cheating. हम इसमें चीटिंग करते Cheating. हैं है ना कि जिस पांच मिनट हाँ. तो देख रहा हूँ पांच hmm. मिनट के बस अपने आप को ना ऐसा बफर देने की कोशिश करते हैं hmm. कि बहुत थका बस पांच का पचास हो जाता है hmm. और उसके बाद जो अंदर डाटा कलेक्ट होता है hmm. वो पता नहीं कितनी देर तक चलता है ना सही कह रहे तो वो दैट इज वेरी हार्मफुल तो हमारी बुद्धि को हम जितना शुद्ध क्लीन एंड क्लियर रखेंगे जी। उतना हमारे को बाकी लाइफ के हर काम में बहुत इजी इजी रहेगा बिकॉज हमारी कैचिंग पावर बढ़ती जाएगी बढ़ती बिकॉज अंदर हमारे कचरा नहीं है ना जैसे ही हम अंदर इतना सारा कचरा डालते हैं तो हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं हंड्रेड बिलियन सेल्स हैं तो उनमें से नॉर्मली सिर्फ दस पंद्रह परसेंट काम करते हैं बाकी स्लो रहता है तो अगर इतने ही काम कर रहे हैं उनको भी हमने कंज्यूम कर लिया विद दिस ऑलमोस्ट वेस्ट और अननेसेसरी डाटा तो जहां पे हमारी बुद्धि यूज होनी चाहिए वो हो नहीं पाती तभी फिर हम, हम दो घंटे का काम का आठ में करते हैं जी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर वेस्ट कर देते हैं तो हमारा टाइम भी ज्यादा जाता है एनर्जी भी फिर हमारे में कम रहती है फिर एंड ऑफ द डे डिप्लीटेड हो जाते हैं जी तो दर्शकों आज हमने डॉक्टर प्रतिमा जी से जाना कि स्ट्रेस जिसे हम कॉमनली यूज कर लेते हैं है ना कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है उसका मेरी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ता है और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लेके आ सकते हैं मेडिटेशन को मुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है लाइक like हम इस शरीर का जैसे ध्यान रखते हैं इसके लिए भोजन जरूरी है इसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है तो उसी तरह मेडिटेशन को भी मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करना है ताकि मेरा माइंड भी हेल्दी हो और मेरी बॉडी भी हेल्दी हो और मेरी परफॉर्मेंस जो हो वो एकदम बेस्ट हो तो थैंक यू थैंक यू प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत आप हमारे प्रोग्राम पे आए थैंक यू दर्शकों थैंक यू ओम शांति तो माय इंडिया हेल्दी इंडिया में अगले प्रोग्राम में हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए हैप्पी रहें हेल्दी रहें थैंक यू ओम शांति